नमस्कार, मैं रई पंडित, आप देख रहे हैं ओके न्यूज। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप पीड़ित लड़की की मौत के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है। मोदी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। योगी ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। 14 सितंबर को गैंगरेप की शिकार हुई दलित लड़की ने दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में इलाज के दौरान मंगलवार तड़के दम तोड़ दिया। पुलिस लड़की के शव को लेकर मंगलवार रात 12:30 बजे पैतृक गांव पहुंची, लेकिन घर वालों को लाश नहीं सौंपी। आखिरी बार बेटी का चेहरा देखने के लिए माता पिता और भाई तड़प उठे, लेकिन परिवार वालों की एक नहीं सुनी गई और रात 2:30 बजे लाश को जला दिया गया। पुलिस पर आरोप है कि अंतिम संस्कार के दौरान पीड़ित परिवार के एक भी सदस्य को मौजूद नहीं रहने दिया, बल्कि पुलिस ने खुद ही लाश को जला दिया। इस मामले को लेकर गांव में काफी तनाव है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में गैंगरेप की शिकार दलित लड़की आखिरकार जिंदगी से जंग हार गई। मंगलवार 3 बजे तड़के उसने दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में दम तोड़ दिया। 14 सितंबर को दरिंदों ने गैंगरेप के बाद उसकी जीप काट दी थी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। वह बाजरे में बेहोश मिली, तबीयत बिगड़ने लगी थी तो उसे सोमवार को ही दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, रात को 2:30 बजे परिजन गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हाथरस की पीड़ित के शरीर को प्रशासन ने जबरन जला दिया। जब वो जीवित थी तब सरकार ने उसे सुरक्षा नहीं दी, जब उस पर हमला हुआ तो सरकार ने उस समय पर इलाज नहीं दिया। योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्य की SIT बनाकर 7 दिन में रिपोर्ट देने को कहा। SIT के अध्यक्ष गृह सचिव भगवान स्वरूप बनाए गए हैं। DIG चंद्रप्रकाश और आगरा PSCC के सेनानायक पूनम भी इसमें शामिल हैं। इस मामले को लेकर किए गए अपने ट्वीट में अक्षय कुमार ने लिखा, गुस्से में हूँ और निराश हूँ। हाथरस गैंगरेप में कितनी क्रूरता हुई, आखिर कब जाकर रुकेगा? हमारा कानून और उन्हें लागू करने वालों को सच में कठोर होना होगा। रितेश देशमुख ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, इस क्रूरता और भयानक अपराध के दोषियों को सार्वजनिक रूप से फांसी देनी चाहिए। दुष्कर्म की शिकार हुई लड़की के भाई का कहना है कि परिवार को सुरक्षा दी जाए, प्रशासन दबाव डाल रही है, लोकल पुलिस पर भरोसा नहीं है, न्यायिक जांच होनी चाहिए, दोषियों को फांसी दी जाए। उन प्रशासन का कहना है कि परिवार की मर्जी के बिना रात में शव जलाने की बात गलत है, लड़की के पिता और भाई ने सहमति दी थी। रात को जब पीड़ित का शव एम्बुलेंस से गांव लाया गया तो परिवार वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। वे शव सौंपने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन अंतिम संस्कार की जल्दबाजी में थी। परिवार वाले एम्बुलेंस के सामने भी लेट गए। इस दौरान प्रशासन और ग्रामीणों के बीच झड़प भी हुई। आरोप है कि SDM ने परिवार वालों से बदसलूकी की। परिवार वाले रात में अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते थे, लेकिन शव को जबरन जला दिया गया। इस दौरान मीडिया को भी दूर रखा गया। लाश जलने में पेट्रोल का इस्तेमाल करने की आशंका जताई जा रही है। पीड़ित के भाई ने कहा कि बहन को अलीगढ़ के जैन मेडिकल कॉलेज से दिल्ली एम्स रेफर किया गया था, लेकिन उसे सफदरगंज अस्पताल में भर्ती किया गया। अगर सही वक्त पर इलाज मिल गया होता तो बहन जिंदा होती। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर कई सवाल उठता है, जिसका जवाब उत्तर प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ को देना होगा। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप खबर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ओके न्यूज़। धन्यवाद।